Hi Pisces and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing Pisces, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट Pisces. Pisces मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन पर मेरा WhatsApp लिंक है. अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो, कोई डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो, आप WhatsApp पे जाइए, मुझे हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती हैं. ओके Pisces, मैं वैसे मई मंथ की जनरल रीडिंग प्रेडिक्शंस ऑलरेडी कर चुकी हूँ. अगर आपको अपनी जनरल प्रेडिक्शन देखना है, करियर, फाइनेंसेस एक्सेट्रा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. आप अपनी जनरल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मई उस लिंक में जाके दे सकते हो. ये है एक्सक्लूसिव लव लाइफ रीडिंग. ओके लेट्स चेक. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो Pisces. Let's check some general energies from the oracle deck. Okay. आपके लिए आया है go outside, self love and major changes. Pisces, जितना मुझे दिख रहा है बाहर जाओ. I feel this card means कि आपको अपने self love practice करनी चाहिए Pisces. ठीक है, आपका पार्टनर है, सब है, बट सेल्फ लव भी तो ज़रूरी होता है, राइट? सेल्फ लव करिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए. गो आउटसाइड. देखो उसमें लड़का बाहर है, अकेले है, तो अगर आपको अपने आप को पैम्पर करना है तो प्लीज़ आप बाहर जाओ, अपने आप को पैम्पर करो. और कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं आपकी लव लाइफ में. लेट्स चेक टैरो से क्या मैसेज आता है. एंजल्स, हायर बींग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर Pisces इन द मंथ ऑफ मे 2023, बोनस रीडिंग. Okay, let's cut the deck. Current energy of your partner, Knight of Swords. Intention of your partner, Seven of Swords. Action of your partner, Queen of Wands. Your energy, Nine of Cups. Future, Eight of Wands. Okay. See, jitna mujhe dikh raha, you are strongly dealing with Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, and Cancer. ये जोडियाक साइन मुझे मेजरली दिख रहे हैं Pisces. Pisces, मैं आपको सच सच बताती हूँ, अगर ये पर्सन, इफ़ दिस पर्सन हैज़ एंटर्ड इन योर लाइफ बहुत रिसेंटली, बहुत मतलब अभी ही आया है, और आप सोच रहे हो इसके साथ फ्यूचर है, तो मुझे इसके साथ कोई फ्यूचर होते हुए नहीं दिख रहा है. करेंट एनर्जी की बात करते हैं, नाइट ऑफ सोड्स की. करेंट एनर्जी तो मतलब नाइट ऑफ सोड्स है, मतलब मुझे लगता है ये इंसान आपकी लाइफ में एकदम से आया होगा, आउट ऑफ सडन, आउट ऑफ ब्लू, कहीं से ये टपक पड़ा आपकी लाइफ में और आपको मज़े आ रहे हैं. आपको इनसे बात करके, इनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लग रहा है. बट इनका जो करंट एनर्जी है ना, वो सिर्फ आपसे मतलब मज़े कर रहे हैं, मतलब बात भी कर रहे हैं सिर्फ अपने टाइम पास के लिए, घूम रहे हैं सिर्फ अपनी मर्जी से. उनके दिल में ना कोई लव इमोशन, कोई लाइक इमोशन, देर इज़ नो इमोशन. करंट एनर्जी की बात करें तो इमोशन नहीं है. आपको लग रहा है नहीं, ये तो मुझसे बात कर रहा है, ये तो मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, बट बात नहीं कर रहा, ये आपसे फ्लर्ट कर रहे होंगे. दे आर डेफिनेटली फ्लर्टिंग विथ यू, क्योंकि दिस एनर्जी इज अ टिपिकल फ्लर्टिंग वाली एनर्जी. इफ़ दिस पर्सन, अगर ये पर्सन आपको सिर्फ रात में ही बात करता है, सिर्फ फ्लर्ट ही करते हैं, मेरे हिसाब से तो आपको भाग जाना चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम सीरियस रिलेशनशिप इन योर लाइफ. तो करंट एनर्जी तो फुल टाइम पास वाली है. इंटेंशन, सेवन ऑफ सोर्ड्स. सेवन ऑफ सोर्ड्स जो टैरो रीडिंग देखते हैं वो जानते हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या होती है. जो नहीं जानते, सेवन ऑफ सोर्ड्स धोखे की एनर्जी होती है, चीटिंग की एनर्जी होती है. ये दो कॉम्बिनेशन, बाप रे, मतलब सबसे टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है ये. देखो, अगर आपको कहीं ना कहीं शक है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, वो डेफिनेटली आप पे चीट करेंगे. इनके इंटेंशंस बिल्कुल भी सही नहीं है Pisces, ओवरऑल मैं आपको बोलूँगी. एक्शन, फ्यूचर एक्शन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आपका पार्टनर बहुत बड़ा मैनिपुलेटिव है, इमोशनली मैनिपुलेटिव, नंबर वन. नंबर टू, उनको ना इतने शातिर हैं आपके पार्टनर, इतने ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेटिव है, दैट दे कैन कंट्रोल योर इमोशंस. Pisces, आप लोग तो वैसे भी इमोशनली बहुत बुद्धू होते हो तो आपको ना वो लोग आपको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना चाहते हैं. वो लोग जानते हैं कि आपको क्या बोलने से, क्या चीज़ करने से आप मैनिपुलेट हो जाओगे. सो एक्शन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको या तो इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे, ब्लेम गेम करेंगे, खुद को विक्टिमाइज करेंगे. तो एक्शन मुझे यही, ओवरऑल मैं सच बताऊँ आपको, अगर इन सब चीज़ों में से एक पर्सन भी आपको रेजोनेट हो रही है, इस पर्सन को छोड़ दो. नाइन ऑफ कप्स.
नाइन ऑफ कप्स जितना मुझे दिख रहा है विद द नाइन ऑफ कप्स कार्ड, पता नहीं कॉल क्यों करते मुझे इस टाइम पे लोग, ऐसे कॉल नहीं आता मुझे, जब वीडियो बनाओ तभी कॉल आते. सो विद द नाइन ऑफ कप्स कार्ड आई कैन सी दैट यू लव योर सेल्फ. आई कैन सी यू गाइज प्रैक्टिस सेल्फ लव. यू लव योर सेल्फ, यू आर केयरिंग फॉर योर सेल्फ. आप लोग सेल्फ केयर प्रैक्टिस करते हो, आप लोग मेडिटेशन करते हो, आप लोग अपने ऊपर ध्यान देते हो. एंड यू आर ओपन फॉर लव, यू आर ओपन फॉर रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट. बट मैं कभी कभी ऐसा होता है ना, वेन यू आर सो ओपन, आप ना नेगेटिव लोगों को या बेकार लोगों को अट्रैक्ट करते हो. यही केस मुझे आपके साथ दिख रहा है पाइसिस, दैट यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव पीपल, यू आर अट्रैक्टिंग सच पीपल जो बिल्कुल ही बेकार हैं. मैं आपको बोलूँगी पाइसिस, यू लव योर सेल्फ, कीप ऑन डूइंग दैट. अपनी केयर करते हो, आप अपने करियर पे फोकस हो, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस हो, बट अंधे नहीं बनना है. कोई आपको प्यार कर रहा है, कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है, उसका इंटेंशन जानने की कोशिश करो कि वाई दे आर डूइंग दैट, क्योंकि लोग बिल्कुल भी भरोसा करने लायक नहीं आज के टाइम पे. सो ओवरऑल आई वुड से देखो, यू ऑलरेडी नो द काइंड ऑफ थिंग्स. आप लोग का इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रांग होता है पाइसिस. यू नीड टू ओपन योर आईज एंड रियलाइज दैट वॉट इज गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ. सो दिस इज योर एनर्जी. फ्यूचर एट ऑफ वॉन्स है. देखो मुझे तो ये दिख रहा है कि आप लोग और क्लोज आओगे आने वाले टाइम पे. मे बी आप लोग हॉलीडेज पे जाओगे, घूमोगे फिरोगे, एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे. बट टॉकिंग अबाउट कमिटमेंट वो मुझे नहीं दिख रहा है, सीरियसनेस वो मुझे नहीं दिख रहा है, प्यार जो प्यार का इंटेंशन होता है वो मुझे नहीं दिख रहा है. आपके अंदर बहुत प्यार है, यू वॉन्ट टू गिव लव टू पीपल, बट ये इनके अंदर प्यार नहीं है, इन्हें प्यार नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ टाइम पास करना है. सो फ्यूचर मुझे दिख रहा है यू गाइज आर स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर, बट इट विल बी अ नॉन सीरियस रिलेशनशिप. सो आई वुड सजेस्ट यू दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ नॉन सीरियस कैजुअल रिलेशनशिप, ये पर्सन ठीक है, 3-4 महीने 1-2 साल टाइम पास करना है आप कर लो. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप, अ लव, अ कमिटमेंट, दिस पर्सन इज टोटली नॉट फॉर यू पाइसिस. और अगर आपको लव लाइफ में और कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करा दो, तो ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है. सो दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग. आई होप यू लाइक योर रीडिंग. इफ यू लाइक माई रीडिंग सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.